नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पीछे ठीक यहाँ पे बिना मास्क का चालान किया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का चालान किया जा रहा है। जैसा कि ये रोड विशेषरगंज मंडी की रोड है और इसी रास्ते से गल्ले का बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके चलते बड़ी गाड़ियों को आगे जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन का समय हो गया है, जिसके दृष्टिगत वाहनों को, बड़े वाहनों को तो एकदम नहीं जाने दिया जा रहा है। और लोगों का, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिना हेलमेट वाहन जो चालक हैं उनका चालान करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विषय दृष्टिगत ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी है, जिसके चलते लगभग सभी थानों में यही स्थिति है और हर थाने से इसी तरह का अभियान चलाकर लोगों को उनके कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। हम इस वक्त कोतवाली थाना क्षेत्र के हरतीरथ स्थित हैं, जहां पर ये अंबिया मंडी चौकी है और यहां पर आसिफ अली जो कि SI हैं और यही लोगों का चालान करते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि कोरोना महामारी के चलते लगभग प्रशासन द्वारा हर थाने से यही कार्रवाई की जा रही है, ताकि महामारी को जल्द से जल्द रोका जा सके। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।